वैवर्त पुराण, संक्षिप्त वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। सृष्टि का क्रम ब्रह्मा जी के द्वारा मेदिनी पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादा पर्वत, पाताल, स्वर्ग आदि का निर्माण, कृत्रिम जगत की अनित्यता तथा वैकुंठ शिवलोक तथा गोलोक की नित्यता का प्रतिपादन। वैवर्त पुराण, संक्षिप्त वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। सृष्टि का क्रम ब्रह्मा जी के द्वारा मेदिनी पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादा पर्वत, पाताल, स्वर्ग आदि का निर्माण, कृत्रिम जगत की अनित्यता तथा वैकुंठ शिवलोक तथा गोलोक की नित्यता का प्रतिपादन। सौती कहते हैं, शौनक जी तब भगवान की आज्ञा के अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मधु और कैटभ के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान पर्वतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके नाम क्या बताऊं। मुख्य मुख्य पर्वतों की नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गंधमादन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। उनके बनाए हुए छोटे छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके नाम क्या बताऊं। मुख्य मुख्य पर्वतों के नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गंधमादन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियों को की सृष्टि की। वृक्षों, गांवों और नगरों का निर्माण किया। समुद्रों के नाम सुनिए। लवण, इक्ष्वाकु, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। बाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी साथ साथ ही हैं। ब्रह्मन, अब आप उन द्वीपों के नाम सुनिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, क्रौंचद्वीप, न्यग्रोथ अथवा शालमली द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्हें भगवान अनंत शेषनाग की नगरी बनाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। सौनक जी, उन सब के नाम सुनिए। भूलोक, भुवरलोक, परम मनोहर स्वर्गलोक, मोहरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत शेषनाग की नगरी बनाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। सौनक जी, उन सब के नाम सुनिए। भूलोक, भुवरलोक, 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 भूवरलोक,
भूलोक, भुवरलोक, परम मनोहर स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। मेरु के सबसे ऊपर शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। मेरु के सबसे ऊपर शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुव लोक है, जो सब ओर से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। मुने, वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक से दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग तथा 7 पाताल। इन श्लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। शौनक जी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधना में। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उन पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। मुने, वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक से दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भागों में स्थित हैं। उनमें उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही हैं। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग तथा 7 पाताल। इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। शौनक जी, ऐसी ऐसी असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में ना तो लोकनाथ ब्रह्मा, ना शंकर, ना धर्म और ना विष्णु ही समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं? श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में ना तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शंकर, न धर्म और न विष्णु ही समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं? विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य तथा स्वप्न के समान नश्वर हैं। विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सभी अनित्य तथा स्वप्न के समान नश्वर हैं। वैकुंठ शिवलोक तथा इन दोनों से परे गोलोक है, वे सब नित्य धाम हैं। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य है। ठीक उसी प्रकार तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य है।